नमस्कार जोहार। शिवरात्रि की पूजा आने वाली है और इसके बारे में क्या कुछ करें और कैसे करें लोग, इस बारे में जानकारी देने के लिए डोरंडा के आचार्य जी आशुतोष जी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि शिवरात्रि पूजा कब करें और इसकी विधि विधान क्या है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। बोल रहे थे शिवरात्रि इस बार अमृत शुभ योग में है और बहुत अच्छा योग है और शिवरात्रि के दिन पूजन का विशेष जो है विधान जो है कहा जाता है कि दूध से, दही से, मधु से, घी से, शर्करा से और दूध में तिल डाल के भगवान को अभिषेक करना चाहिए 16 मंत्र से। अगर कोई ब्राह्मण उपयुक्त होने तो स्वयं भी ओम नमः शिवाय मंत्र से आप कर सकते हैं। 11 पत्ता बेलपत्र का चढ़ाएं, एक रुद्री जो एक प्रशस्त जो होता है 11 पत्तों का होता है, 11 पत्तों का बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान को सुंदर जो है फल इत्यादि अर्पण करें, विजया भंग चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, सब चढ़ा के पूजन करें, माता पार्वती को श्रृंगार का सामग्री चुन्नी इत्यादि अर्पण कर उनका गठबंधन जरूर करें। और जो स्त्री जो कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है अगर उनके दोष वगैरह है तो इस तरह से जो शिवरात्रि को पूजन करते हैं उनका विवाह साल भर के अंदर अंदर महादेव की कृपा से हो जाता है। इसमें क्या सावधानी बरतें और क्या मतलब जो नए लोग हैं जो करना चाहते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए इस बार शिवरात्रि करने का ऐसा कोई ये नहीं है क्योंकि त्रयोदशी और चतुर्दशी की शिवरात्रि है तो ये दोनों शुभ योग है और अमृत योग बनता है तो शिवरात्रि विशेष रूप से मांगलिक कृतियों के लिए है। माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्रसन्नता के लिए किया था तो शिवरात्रि के दिन ऐसा उपवास रखना चाहिए और फलाहार अल्पाहार में ही रहें, जीवन व्यतीत करें और मतलब ग्रस्त जीवन पे भगवान शंकर का जाप इत्यादि करें। कोई भी इस प्रकार से जो भी नॉनवेज इत्यादि का सेवन ना करें, प्याज लहसुन एकदम ही वर्जित है इत्यादि जो है ये सब कार्य को छोड़ के जो भी काम है वो कर सकते हैं। जो लोग शिवरात्रि करते हैं तो बहुत सही जो लोग कथाएं हैं और मनसा है लोगों की दिन में करे या रात में करे इस अपवाह में रखते हैं तो इसके लिए क्या करें? देखिए शिवरात्रि की पूजा तो विशेष रूप से त्रिप्रहरी पूजा होती है। पहली पूजा सुबह प्रातःकालीन होती है, फिर मध्यकालीन दोपहर में होती है, फिर संध्याकालीन होती है, फिर रात्रि निश्चित काल पूजा होती है। तो चार प्रहरी पूजा जो होती है और सुबह में जो पूजन करते हैं उसको विसर्जन होता है, उसके बाद पारण की जो है मानता कही गई है। परंतु बहुत से लोग एक टाइम भी पूजा करते हैं तो एक टाइम में भी उतना ही फल प्राप्ति होती है, जितने ही आप पंच प्रहरी पूजा करेंगे तो उतना फल प्राप्त होता है। मतलब समानांतर दृष्टिकोण से एक है जिसकी जैसे भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव के हिसाब से आप जितने प्रकार की पूजा करेंगे तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जैसे भी कहा जाता है कि भोले भंडारी जो हैं भोले हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो ऐसे में जो लोग नहीं जानते पूजा करने सिर्फ क्या ओम नमः शिवाय का जाप करना उनके लिए पर्याप्त है? देखिए प्रणव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय है, केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, एक लोटा जल और बेलपत्र भी चढ़ा दे या बेलपत्र नहीं है खाली एक लोटा जल ही महादेव को चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो उनकी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो जो लोग घर में शिव पार्वती की मूर्ति रखे हैं या फोटो रखे हैं वो घर में ही कर सकते हैं? घर में कर सकते हैं लेकिन लिंग की पूजा करने की विशेष महानता कही है क्योंकि लिंग में मूर्ति ब्रह्म रूपे मध्यदेव विष्णु रूपे आग्रदे शिव, तो भगवान में पंच महाभूत का वास होता है तो भगवान शंकर की पूजा लिंग में करेंगे तो पांचों कोटि देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। चलते चलते आपसे अभी जानना चाहेंगे कि और कौन सा मंत्र है जो भगवान भोले को रिझाने के लिए हमारे भक्त हैं? देखिए महामृत्युंजय मंत्र किसी भी अभिष्टता को नाश करने वाला है, अनिष्टता को नाश करने वाला है। ओम हणुम ओम जुम स भ्रुव अश्व त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनं गुरुवारभूमिः वंदनात् मृत्यो मोक्षे मामृतात् ओम भ्रुव अश्व जुम स हणुम। ये मंत्र है, इस मंत्र का मतलब जो शिवरात्रि के दिन 1008 मंत्र जो जाप करते हैं उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पार्थिव लिंग बनाते हैं जो उनको मट्टी से जो लिंग बनाते हैं और महामृत्युंजय मंत्र की से जो मंत्र पढ़ते हैं और उसमें वो लिंग बनाते हैं तो उनको अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहता है। तो महादेव की अनुकंपाएं होती है, यत पुरखे नभिदमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाले महादेव हैं। इस बार शिवरात्रि किस दिन है और किस मुहूर्त में लोग पूजा करें? देखिये त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी शिवरात्रि है, दोनों तिथियां एक समानांतर में मिल रही है तो बहुत शुभ फल कारक है और शिवरात्रि में सुबह से लेके पांच प्रहर तक आप पूजा करेंगे तो विशेष फल कारक होगा।
कैमरा की अपना सत्कर्ष पंडित आशुतोष मिश्रा आचार्य। तो ये थे पंडित आशुतोष मिश्रा आचार्य, और कितनी अच्छी बातें बताई कि पूजा करने के लिए, भगवान शंकर को रिझाने के लिए या मनोवांछित फल पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल और 11 बेलपत्र काफी है। भगवान भोलेनाथ की जय। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप ये